Good morning everyone. Today we discuss about noun. Noun which are used as name of person, animal, places or thing are called noun. Noun एक शब्द भेद होता है जो हमें किसी भी वस्तु को नाम देने में मदद करता है, जिसे हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जंतु, भाव या गुण का नाम हो सकता है। There are different types of noun. First, common noun. Second is proper noun. Third one is collective noun. Fourth one is material. And fifth one is abstract noun. Noun mainly classified into two categories, countable and uncountable. Countable classified into three categories, common, proper and collective. Uncountable classified into two categories, material and abstract noun. First, we discuss about common noun. The common noun which denotes common person, place or a thing. कॉमन नाउन एक ही तरह की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों को दिया जाने वाला नाम है, जैसे कि कॉमन थिंग्स, बुक, टेबल, प्लेस, सिटी, स्कूल, पर्सन, मैन या वुमेन। आपने ऊपर पढ़ के इतना समझ लिया होगा कि यहां पर किसी निश्चित बुक के बारे में नहीं बताया जा रहा। कोई सी भी बुक है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथमेटिक्स की है, वो बुक बताई नहीं गई है, खाली कहा गया है ये बुक है। अब बुक के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। उसी प्रकार शहर, कौन सा शहर है हमें जानकारी नहीं है, इसलिए वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। विशेष लोगों, स्थानों और वस्तुओं के नाम प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन मुकेश एंड अनिल, प्लेस कोलकाता, थिंग रामायणा और गीता। आपने पहले जब कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर शहर का नाम नहीं बताया गया, कौन सा शहर। इसमें प्रॉपर बताया गया है कि वो कोलकाता शहर है, जगह का नाम बताया गया है, प्रॉपर आदमी का नाम बताया गया है कि वो कौन है, मुकेश या अनिल है। प्रॉपर चीजों के बारे में बताया गया वो क्या है, रामायण और गीता। इससे हमने जाना कि प्रॉपर चीजों के बारे में, जो किसी ठोस या निश्चित चीजों के बारे में पूरी जानकारी दे, वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन लोगों या वस्तुओं के संग्रह को एक साथ लेने और एक रूप में बोलने वाला नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन ऑडियंस, द आर्मी आर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। ये वह वस्तु होती हैं जिन्हें हम छू या देख सकते हैं, और इसे धरती के अंदर से निकाला जाता है या इसका उपयोग अन्य वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, टी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। अब्स्ट्रैक्ट, एक स्थिति, गुण, भावना, विचार, विज्ञान या अध्ययन को दिया गया नाम है। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी, हॉनेस्टी, ब्रेवरी, कंडीशन, इलनेस, सैडनेस, डेथ, एक्शन, मूवमेंट, एक्टिविटी या रेस। ओके, मुझे जैसे लगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आगे मैं कल इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेके आऊंगा। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।